हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल गाइस। आज के वीडियोस जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन में मैं बता रही हूँ। आज का चैप्टर है चैप्टर 7 पर्सनालिटी। सो सबसे पहले तो पर्सनालिटी क्या है उसकी डेफिनेशन बेसिकली इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपको पर्सनालिटी की डेफिनेशन ये आपको बताई हुई है कि कम्बिनेशन है टू वर्ड्स का, इस लिहाज से भी आपको आनी चाहिए। और किसी खास तौर पे जो फ्रूड है उसने क्या कहा इस बारे में ये आपको लाजमी आना चाहिए। वुड्सवर्ड की इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर और इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद आगे जो ये लिखा हुआ ना, यूनिकनेस, कंसिस्टेंसी एंड सेल्फ, ये आपको पता होना चाहिए कि क्या है और ये आपको शॉर्ट के लिए आ सकता है। टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। अच्छा, इसके अलावा ना मुझे किसी ने कमेंट में कहा था कि ये फेडरल आप बता रही हैं यहाँ पर पंजाब बोर्ड के लिहाज से, तो मैं पंजाब बोर्ड के लिहाज से बता रही हूँ और ये सारा जो है वो पंजाब बोर्ड की ही बेस पे है। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट फेडरल, सो आई एम गोइंग टू टेल यू ओनली अबाउट पंजाब। सो टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी में आगे जो है यहाँ पे जो है लिखा हुआ एक दफ़ा पढ़ लें। फिर उसके बाद जो है अर्ली ग्रीक क्लासिफिकेशन, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक दफ़ा आपको यानी कि पता होनी चाहिए। आपको कह सकते हैं कि इसमें से कोई भी एक पूछ सकते हैं कि क्या होता है। फिर उसके बाद शेल्डन कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। फिर उसके बाद है टाइप ऑफ पर्सनैलिटी बेस्ड ऑन एटीट्यूड प्रेजेंटेड बाय जंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंट्रोवर्शन, एक्सट्रोवर्शन एंड एम्बिवर्शन। इंट्रोवर्शन एंड एक्सट्रोवर्शन में आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। और इसके अलावा व्हाट इज़ एम्बिवर्शन जो है वो आपको दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इंट्रोवर्शन और एक्सट्रोवर्शन ही देते हैं। और ये आपको ऐसा लॉन्ग भी आ सकता है, सिर्फ ये कि टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी पे आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखें। फिर आगे है एसेंशिक्स, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंसिएट डैट, सो एसेंशिक्स आई थिंक सो। टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, इसकी टाइप ऑफ पर्सनैलिटी जो है लॉन्ग में आपको आ सकती है, लेकिन आगे है टाइप ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट ऑफ पर्सनैलिटी बाय एल्पोर, ट्रेट ऑफ पर्सनैलिटी बाय कैचल। टाइप ऑफ पर्सनैलिटी है जो दो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अपने अपने हिसाब से दी हुई है। दोनों का आपको पता होना चाहिए क्या है लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट, भाई लॉन्ग इसका तैयार कर लीजिएगा। फिर उसके बाद है फ्रूट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रूट जो है ना, समझ रहे, जहाँ पे भी फ्रूट का नाम है वो वहाँ पे साइकोलॉजी लाजमी कुछ ना कुछ है। फ्रूट जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है साइकोलॉजी के सब्जेक्ट में, तो ये तो इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आगे कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस, ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ अ पार्ट ऑफ दिस लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल एज इट कैन बी यूज एज अनदर शॉर्ट क्वेश्चन। सो आगे आ जाए डायनामिक ऑफ पर्सनैलिटी। डायनामिक ऑफ पर्सनैलिटी भी आपको आ सकता है नॉट। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी में इट, ईगो एंड सुपर ईगो होता है, कि आपको शॉर्ट में भी आ सकता है। उसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी जो है वो आपको लॉन्ग में भी आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद ईगो में आगे उन्होंने बताया हुआ रियलिटी टेस्टिंग एंड सेकेंडरी प्रोसेस। रियलिटी टेस्टिंग आपको डेफिनेशन इसकी पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो है आगे सेकेंडरी प्रोसेस, यानी कि इन सब की जो आपको डेफिनेशन अलग-अलग पता होनी चाहिए। और अच्छा जी, आगे है डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द ईगो। आगे जो है ना आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो जो है उसको मजीद जो है ना अलग-अलग टॉपिक के लिहाज से उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। सो आपको वो भी आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है सारा कुछ। जिसकी वजह से आप ये नहीं कह सकते कि हमें जो है वो ये छोड़ देना टॉपिक, नो यू कैन नॉट एस्केप दैट। बट व्हाट यू कैन डू इज, सॉरी, आप ये कर सकते हैं कि आप इसको समझ लें, इसकी हेडिंग्स को याद कर लें और उसके बाद जो बीच में लिखना है वो अपने अल्फाज में लिख दें। फिर देन ओके, ये तो उसी का पार्ट है। फिर उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी एक दफ़ा रीड करने वाला है। एनाल, ये जो है ना इनके स्टेजेस का नाम आपको पता होना चाहिए। ऑरल स्टेज क्या है, अनाल स्टेज क्या है, ये सारी स्टेजेस जो है ना आपको अपने अल्फाज में आनी चाहिए। फिर ये है फ्रूट टर्म 8, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स इन बॉयज एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स इन गर्ल्स, ये MCQ के लिए लाइन इंपॉर्टेंट है। Then there was something also, dupatta or shawl on her body. अच्छा, ये कुछ नहीं है। लेटेंसी पीरियड, ये जो है ना इतने लंबे लंबे पैराग्राफ्स आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको पढ़ें, समझें और अपने अल्फाज में लिख दें। डायनामिक ऑफ पर्सनैलिटी, इरोस एंड थैनाटोस,
पता होना चाहिए क्या है क्रिटिसिज्म। आप एक दफ़ा पढ़ लेंगे, अगर आपसे पूछेंगे क्रिटिसिज्म क्या है तो आप दो तीन लाइंस में उसको एक्सप्लेन कर सकें या दो तीन पॉइंट्स आप बना के बता सकें, पहला ये क्रिटिसिज्म था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, इस तरह आप बस। कंक्लूजन पे भी इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, मेन मेन पॉइंट्स अपने जहन में रखें और उसको बस लिख दें। फिर उसके बाद है री इन्फोर्समेंट थियरी ऑफ डॉलर एंड मिलर, इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग गाइज एंड मोटिव क्यू रिस्पॉन्स रिवॉर्ड। ये जो है आपको पता होना चाहिए क्या है, आपको ये शॉर्टकट सनाउंसर के तौर पर भी ये बात आ सकती है और इसके अंदर से आपको ये अलहदा से भी लॉन्ग बना के दे सकते हैं। डायनामिक ऑफ पर्सनैलिटी, डायनामिक ऑफ पर्सनैलिटी जो है ये समझने वाला टॉपिक है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, इनेट इक्विपमेंट, बस एक दफ़ा पढ़ लें। फिर उसके बाद है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ डेवलपमेंट, ये जो है एक दफ़ा पढ़ने वाला है, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हायर मेंटल प्रोसेसेस, इसको पढ़िएगा, ये आगे काम आने वाले हैं। जनरलाइजेशन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट और क्रिटिसिज्म, बस एक दफ़ा पढ़ने वाला था वो। कंट्रीब्यूशन ऑफ पाकिस्तानी साइकोलॉजिस्ट, नो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ये आपकी जनरल नॉलेज में इजाफा करेगा, लेकिन पाकिस्तानी साइकोलॉजिस्ट की क्या कंट्रीब्यूशन है ये डिपेंड करता है कि अगर आपके टीचर इसके पास ज़्यादा जोर दें तो आपको पेपर में आ भी सकता है। एंड ओवरऑल अगर आप ग्लोबली देखें ना, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बट अ पाकिस्तानी साइकोलॉजिस्ट डज। ओके, सो टेस्ट डिवाइस बाई फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, ये क्या है टेस्ट, ये आपको पता होना चाहिए। और अच्छा, ये इस तरह का टॉपिक है कि अगर नहीं दिया तो नहीं दिया, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर देने का मूड आया तो आपको लॉन्ग भी दे सकते हैं। तो इसको लाजमी एक दफ़ा देख लीजिएगा, इस तरह देखिएगा कि ये नहीं कि आपको बाद में पता नहीं चले मैंने क्या पढ़ा था, बल्कि इस तरह वो कि आप अपने अल्फाज में उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये वाले साइकोलॉजिस्ट ने वो किया, ये हुआ, वो हुआ, और टॉपिक आपका कम्प्लीट हो जाए। फिर उसके बाद इंटर सर्विस, नो ये क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर, ये वैसे मेरी टीचर ने इम्पॉर्टेंट लिखवाया तो वह आई डोंट नो इफ इट इज़, हमें तो नहीं आया था, लेकिन एक दफ़ा जो है आप इसको देख लीजिएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च पंजाब यूनिवर्सिटी द इंस्टीट्यूट हैव टू, ये एक दफ़ा पढ़ने वाले हैं बस, आपको इसके बारे में कोई एमसीक्यू वगैरह नहीं आने लगा। मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव मेथड इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू इंपॉर्टेंट है, ये लगता है शॉर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, अनस्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड जो है वो शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस आता है इसका। और उसके अलावा ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड क्या है और किसका है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये जो पीछे मैं लेगी ये वाला पेज है, ये दोनों पेजेस, ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन या टेस्ट, ये सारा आपके लॉन्ग का हिस्सा है, ये आपको अपने अल्फाज में लिखना आना चाहिए। फिर उसके बाद है 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स, ये पैराग्राफ है, इसको अच्छी तरह पढ़िएगा। फिर उसके बाद है मैंने सोचा मल्टीफेसिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री MMPI, ये आपको बताना चाहिए कि बेसिकली है क्या। फिर कैलिफोर्निया पर्सनैलिटी इन्वेंट्री CPI, यानी कि ये भी जो है कह लें कि जी क्या बताऊँ मैं आपको, डिफरेंट मेथड्स हैं टेस्ट वगैरह के। फिर उसके बाद है वोकेशनल इंटरेस्ट टेस्ट, एडवर्ड पर्सनल प्रेफरेंस कैजुअल, यानी कि ये सारे जो टेस्ट हैं आपको बताना चाहिए कि किसमें क्या है उसमें क्या है। फिर उसके बाद है प्रोजेक्टिव टेक्निक और सब्जेक्टिव टेक्निक, ये आपको पता होना चाहिए प्रोजेक्टिव कौन सी टेक्निक है और सब्जेक्टिव कौन सी टेक्निक है। फिर उसके बाद टाइप ऑफ प्रोजेक्टिव टेस्ट, इनके नाम आपको पता होने चाहिए। ओके, सो आगे है इनपोर्ट टेस्ट, ये भी आपको बस पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या है। ये सारे टेस्ट में बस इनको आपको ये सारा पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या है, कौन से टेस्ट में क्या होता है, बेसिकली ये आपको पता होना चाहिए। फिर आगे हाउ टू ग्रूम पर्सनैलिटी, इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, शॉर्ट में आ सकता है कभी कि अपनी पर्सनैलिटी को कैसे ग्रूम करें। और उसके अलावा सोशल अप्रूवल, सोशलाइजेशन, कॉग्निटिव अप्रूवल, ये आपको पता होना चाहिए सोशल अप्रूवल क्या है, सोशलाइजेशन क्या है, कॉग्निटिव अप्रूवल क्या है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनका आपस में डिफरेंस क्या है। और फिर आगे अगर आप आ जाएं तो ये जो नीचे लिखे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इनको लाजमी कीजिएगा, अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा इनको, तो आपका जो पेपर है वो इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। सो आई होप गाइस ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो और समझ आया। आप लोगों को कोई टॉपिक है जो आप लोगों ने समझना, कमेंट सेक्शन में डाल दें। और फॉर नाउ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।